हम निकल गए हैं हडिब्बा टेम्पल से। यहाँ पे आना चाहिए अगर आप आ रहे हो मनाली। और अब हम यहाँ से निकले हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल का कितना रास्ता है यहाँ से बताओ? आइडिया कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर मैप लगाएंगे और पहुंचेंगे अटल टनल। इस टाइम पे थोड़े सा रश भी है, बढ़ जा रहा है क्योंकि 11 बज रहे हैं। सुबह सुबह जाओगे थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। सो बढ़ते हैं अटल टनल की तरफ। वहाँ पे व्यू और अच्छे हैं, मैंने सिर्फ रील्स में देखे हैं। सो वेरी मच एक्साइटेड, बहुत अच्छे अच्छे व्यू है और मजा आएगा पिक्चर्स का भी। चलो चलते हैं, बाय करो। स्टे ट्यून्ड, सो स्टे ट्यून्ड। बाहर एंड व्यू देख सकते हो आप, मतलब ये पहाड़ इतनी पास इतने प्यारे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है, हल्की हल्की, मतलब जितना नीचे गर्मी लग रही थी उस हिसाब से ऊपर खड़े हो सकते हैं। अच्छी है, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, मम्मी ले रहे हैं व्यू। गाइस व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। अभी इतनी ठंडा से चल, जब सर्दी होती होगी तब तो ऐसे ऐसे नहीं परमिट ले रहे हैं लोग का। तो बना दे यार ना, बस काफी हुई है। देख कितना बड़ा था, मैं क्या करना रहा, रहना दे। बहुत लंबी है एंड नंदनी है, वी आर एंजॉइंग। फैमिली पीछे है, सचिन ऊपर है, सब बारी बारी जा रहे हैं सनरूफ के ऊपर। बोलते पीछे बैठना है, सनरूफ में जाना है इसलिए। बहुत ये ना पता है इसके अंदर बस एक अच्छा चीज लग रही है कि बहुत ही चिल्ड है, बहुत ही चिल्ड है। हाथ मैंने बाहर रखा हुआ था खिड़की के, लेकिन इतना चिल्ड हो गया ना हाथ के, मजा आ रहा है। हम निकलने वाले हैं बस बाहर की तरफ, जस्ट 500 meters लेफ्ट। वेलकम टू अटल टनल की दूसरी साइड।
सेकेंड फेज ऑफ अटल टनल हम जा रहे हैं अभी आगे लेक की तरफ, छोटी सी जो लेक है, जिप लाइन कर रहे हैं साथ में और ये काउंटर नंबर 1 है। अब आप ओके सर ये दूसरी वाली सीट है। ओके ये सीट्स हैं। शुभम जा चुका है वहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया कि यहाँ से शूट करना। मम्मी पापा यहाँ पे, पापा रेडी हैं, मम्मी के लिए वेट हो रहा है। अभी यहाँ पे मम्मी ने भी पहन लिया है सीट। जा सकते हैं ना नहीं जा सकते? मैं मार्को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं। इनको सेट तो करो, कहाँ से पकड़ना है हाथ? गाइस देखो जोर भी किससे लगवाया मेरे से, भैया सोच तो लेते मैंने जोर कैसे लगाना है। नहीं नहीं हाथ नहीं छोड़ना ना, फिर साथ चलोगे ना आप? छोड़ दो भैया, यहाँ से वहाँ गए हैं और वहाँ से बैक आएंगे तो हम चलते हैं यहाँ इस साइड और इनका कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट वन मेरी और नंदिनी की है। लेट्स गो। बड़ा अच्छा है यार। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया, तगड़ा, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत एंजॉय करने वाली बात है। मेरी बारी करो, एंजॉय और सर मेरी बारी है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? और कुछ नहीं है, भाव भाव है ही कुछ नहीं, भाव होता नदी का इतना बस ऐसे रखना है। इसको नीचे से बनाना और ये थोड़ा सा। ओ भैया आप लोग अभी डालो गाइस। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा। पानी से फॉगी होगा तो पानी में मत देखना, पहाड़ों में देखना तो ऊपर। छोड़ दे, छोड़ दे।
पर एक्चुअली हाँ तो हमें पब्लिक यहाँ से निकल जाती है वापस। हम चल रहे हैं शिशु विलेज जो 6 किलोमीटर आगे है रोहतांग पास से, रोहतांग सॉरी अटल टनल से रोहतांग पास से इस साइड को है। हाँ बट यहाँ पे परमिट नहीं, हाँ ये सब रोहतांग से आ रहे हैं टैक्सी से ना। मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिता। सो गाइस अटल के जो यहाँ पार्किंग में जब सब घूम लिया हम जाने शिशु विलेज जो यहाँ 6 किलोमीटर 6 to 7 किलोमीटर आगे। सो लेट्स गो देयर एंड सी व्हाट इज देयर, क्योंकि बहुत सुना है शिशु विलेज के बारे में, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह, तो देख के आते हैं वो सुंदरता भी। ये तो हमने देख ही ली है। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं शिशु विलेज जो है अराउंड 12 मिनट लगेंगे और टिकट स्लॉट 6 किलोमीटर। वो सीट लग गई हमने तो गाइज यहाँ पर इस साडा डेवलपमेंट फीस एक भर रही है 300 रुपये हमने भरी है और यहाँ से कटती है वो स्कैन और UPI भी है, यहाँ पे कैश भी है आगे जाने के लिए। सो लेट्स गो। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला।